हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पांच बहुत अच्छी टिप्स लाई हूँ। ये देखिए, जो हमारा पानी भरने का मटका होता है वो बहुत लीकेज हो रहा है, तो इसको ठीक करने का बहुत अच्छा तरीका है। ये देखिए, एमसील का जो पैकेट है ये हार्डवेयर की शॉप पे आपको मिल जाएगा, मात्र 10 रुपये में मिलेगा आपको ये। तो इसमें जो ये दो पाउच आते हैं अलग अलग कलर के, ये देखिए, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है हमें। इन दोनों को प्रॉपर मिक्स कर दीजिए, दो कलर का एक कलर होना चाहिए। ये देखिए, ब्लैक कलर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दरार आई है मटके के ऊपर, इस पर ये अप्लाई कर देंगे। इसको अच्छे से रगड़ते हुए मटके के ऊपर जो दरार है उधर लगा दीजिए। ये देखिए, हमने अच्छे से लगा दिया है। अब इसको चिकना करने के लिए क्या करेंगे, जो ऑयल होता है कोई भी ऑयल ले सकते हैं, पैराशूट भी ले सकते हैं, और उससे उंगली से घिसते हुए हमें इस हिस्से को चिकना कर देंगे। और दूसरा है हमारा जो रोटी बनाने का जो चकला है, जिस पे हम रोटी बनाते हैं, ये जो पत्थर का है जो बीचों बीच से टूट गया है, तो इसको भी इसी तरह से ठीक करेंगे। जो ये एमसील है इसको मिक्स कीजिए अच्छे से और इसके बीच में ये लगा दीजिए। जब हम बीच में लगाते हैं तो ऊपर की ओर ये दरार रहती है, तो इसको अच्छे से घिस के अंदर की ओर ही भरिए, बाहर नहीं दिखना चाहिए। और जो ये नीचे साइड है ये ऊपर से करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऊपर हमें रोटी बेलनी रहती है तो वो चिकना हिस्सा होना चाहिए। और थर्ड है हमारा, ये जो पानी लीकेज हो रहा है, जो पानी, ये देखिए, जहाँ पे बर्तन धोते हैं हम, वहाँ से ये पानी लीकेज हो रहा है नीचे से। तो इसको भी ठीक करने के लिए क्या कीजिए, पहले तो नल का जो पानी है वो बंद कर दीजिए, और घंटे भर या आधा घंटा छोड़ने के बाद इसको कीजिए आप। अब ये जो नीचे से पानी, जो ये एमसीएल से ही करेंगे हम, इन दोनों पाउच को लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये दो पाउच है, ये अच्छे से मिक्स कीजिए और ये लगभग 3 से 4 घंटे में सूख जाता है। इससे एमसीएल से जो भी आप काम करें या जो भी आपके टूटे फूटे सामान जोड़े, उसको 4 से 5 घंटे के लिए रेस्ट पे के जरूर कीजिए। ये देखिए, अब जो ये पानी है इसको अच्छे से कपड़े से साफ कर दीजिए, जिससे कि हम ये ठीक कर सकें। ये देखिए, अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये देखिए, मैंने जो अच्छे से मिक्स किया था इसको लीजिए। इसकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेते हुए जहां से लीकेज हो रहा है पानी, वहां पे धीरे धीरे अप्लाई करेंगे। ये देखिए, इस तरह मैंने ये पूरा अप्लाई कर दिया है, अच्छे से मैंने लगा दिया है। ये देखिए, अच्छे से लगा दिया है ये इस तरह से। और फोर्थ है हमारा, ये जो प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है, ये विसल जो बोलते हैं, सीटी बजती है, तो ये जो स्क्रू घूम गया है, इधर हम क्या करेंगे, एमसील का थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा लेंगे, एक स्क्रू जितना ही, और इसको राउंड बॉल की तरह करके स्क्रू की जगह पे हम फिट कर देंगे। और इसको 5-6 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दे, जिससे कि अच्छे से सूख जाए और ये फिर नहीं निकलेगा, ये स्क्रू जैसे ही आपका काम करेगा। ये देखिए, इस तरह से लगा दीजिए और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लगेगा कि इसका ये कवर कैप जो है जो ऐसा ही है। ये देखिए, हो गया है हमारा। और जो पांचवा है हमारा, वो है गैस के पास हमारे जो जो पत्थर होता है उसमें, है ना, ये दरार है, ये देखिए, जिससे कि जब भी रोटी वगैरह या कोई और काम करते हैं तो इधर जो आटा या फिर कुछ और शक्कर या कोई भी अनाज के दाने जो है अंदर फंस जाते हैं, तो चींटियाँ आती हैं, तो हम इसको भी ठीक करेंगे। ये भी हमारा एमसीएल से ही होगा। तो एमसीएल की थोड़ी मात्रा लेते हुए इस दरार को हम अच्छे से धीरे से भर देंगे, जिससे कि हमारा ये देखिए जो आटा है वो इधर ना फंसे और चींटियाँ भी नहीं आएंगी। ये देखिए, इस तरह से हमें ये ठीक करना है। इस तरह से आप ये पूरी जो दरार है उसको भर दीजिए। ये देखिए, और ये 5 तरीके आपके वर्क करेंगे। ये सूखने के बाद एकदम पत्थर जैसा हो जाता है, तो निकलने का कोई टेंशन ही नहीं है। प्लीज़, अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।